सो अभी मैं संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्टेड रणबीर कपूर एक्टेड एनिमल मूवी को देख के आया हूँ और इट वाज फकिंग ब्लडी इनसेन एंड ग्रेट एट द सेम टाइम। और मेरे हिसाब से ये इस साल की अब तक की सबसे बेस्ट मूवीज में से एक जो आपके पूरे पैसे वसूल करवाती है और आपको रिग्रेट भी नहीं करने देती कि भाई ये ओटीटी पे आने के बाद भी हम देख सकते थे, क्यों इस मूवी के लिए थिएटर में आ गए, क्योंकि दिस मूवी इज फकिंग जाइगेंटिक और इसे थिएटर में ही एक्सपीरियंस करने का एक्सपीरियंस ही कुछ अलग। और हाँ, ये ए रेटेड है और इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, मतलब सबको ये मूवी पसंद नहीं आ सकती क्योंकि मूवी बहुत लोगों को कंफ्यूज कर सकती है। इनके लिए ऐसी ए रेटेड मूवीज देखना नया है, क्योंकि ऐसी मूवीज, मतलब जो संदीप रेड्डी वांगा जी मूवीज बनाते हैं उनका स्टाइल एक अलग है, जहां मूवी एक सीधा टाइम फ्रेम में नहीं चलती, बीच-बीच में टाइम स्किप करते रहती है, कभी फ्यूचर में, कभी पास्ट में और कभी प्रेजेंट। ये उनका एक स्टाइल है मूवी बनाने, तो बहुत लोग, मतलब नॉर्मल ऑडियंस कंफ्यूज हो सकती है इस मूवी को देखते हुए, तो अगर जाना है तो ये सब याद रख के ही जाना। तो चलिए और डिटेल में बात करते हैं मूवी के बारे में विदाउट स्पॉइलर ऑफ कोर्स। तो हे गाइस, कैसा हाल तुम्हें, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं रॉकी द वॉच। तो मूवी की बेसिक स्टोरी फादर और बच्चे के बॉन्ड के बीच में और इंसान के अंदर छुपे हुए एनिमल पे, जो मूवी अच्छे से शोकेस करने में कामयाब होती है। बट ऐसा नहीं है कि पूरी मूवी में कोई कमियां नहीं है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, बट पहले पॉजिटिव्स के बारे में बात करते हैं। तो एज ऑलवेज रणबीर कपूर अगेन प्रूव्ड हिमसेल्फ कि भाई एक्टिंग के मामले में अभी भी कोई स्टार उसके आसपास भी नहीं है। जो हमने ट्रेलर के स्टार्टिंग में जो सीन देखा था उसके पापा के साथ, उसमें तो बवाल एक्टिंग की ही है, पर पूरे मूवी में उसकी वजह से मूवी आपको छोड़ती नहीं है बिल्कुल भी बोर नहीं करती। मूवी लगभग 3.5 घंटे की होने के बाद आप इतने ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं मूवी की कहानी में कि आपको इंटरवल कब आया ये भी पता नहीं हो। तो हाँ, मूवी का रन टाइम लॉन्ग है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बोर होंगे, बिल्कुल भी आप बोर नहीं होते मूवी। पर अब इंटरवल पे आ ही गए तो लेट्स टॉक अबाउट दैट एक्सट्रीम पीक इंटरवल। वो कॉरिडोर एक्शन सीक्वेंस इंटरवल में होगा ये तो पता चल गया था, बट उसके बाद और उसके पहले क्या होगा ये पता नहीं था, और जो हुआ है वो एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं था। इंटरवल आपके स्टार्टिंग में दो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं जो गस को डिलीवर करने आते हैं। वो वही मोमेंट था जहां से मूवी पीक करती है और पीक इंटरवल चालू होता है। और क्या था वो इंटरवल ब्लॉक? एक्शन फाइटिंग गन्स असाइड जो मराठी सॉन्ग का कंपाइलेशन किया है एक्शन के साथ, बहुत बहुत ज्यादा अप्रतिम था। और हाँ, वो पंजाबी सॉन्ग अर्जुन वेल्ली ने भी काफी अच्छा था, बट उस फाइटिंग से आई एक्सपेक्टेड बेटर। उसके बाद के एक्शन सीक्वेंस थे, बट उस पार्ट पे मूवी नहीं डिलीवर कर पाई और बहुत फ्लटर्ड एक्शन था उस टाइम, ऐसा बोलूंगा जो खत्म होती है आप भूल जाते हो वैसा वाला। और उस बिग गन के बारे में क्या ही बोलूं, वो चल भी सकती है और दौड़ भी सकती है, मतलब उसे एक गाड़ी की तरह मॉडिफाई किया है। वो एक्चुअली में रियल में बनाई गई है और रियल में उसका वेट 500 से 600 kg है। वो गन सीक्वेंस यूनिक था और गन भी यूनिक। और सॉन्ग से याद आया, वो बीजीएम पापा मेरी जान वाली बहुत ज्यादा अच्छी थी, एकदम स्टक हो गई थी मेरे दिमाग में, मूवी से आते वक्त वही गुनगुना रहा था मैं। बट एक जो मुझे मेजर प्रॉब्लम लगी थी इस मूवी से, इसकी वॉइस डबिंग, क्योंकि बहुत बार डायलॉग ही सुनाई नहीं दे रहे थे, कुछ बार बीजीएम स्ट्रॉन्ग है इसकी वजह से और कुछ बार राजमा का जैसे मूवी में बोलने की वजह से। तो हाँ, कुछ डायलॉग्स मिस हो गए मुझसे स्टार्टिंग के आई थिंक और बीच, जो आई डोंट थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, बट स्टिल वो एक प्रॉब्लम था मेजर। और अब विलन बॉबी देओल की बात करें तो भाई ही डिड एक्सेप्शनल जॉब जब तक वो था, और जैसे कि हमें पता था कि वो म्यूट होने वाला है, तो हाँ मूवी में भी वो म्यूट है और उसका भी अच्छा खासा रीजन दिया है मूवी ने। बट जो उसका इंट्रो सीन था भाई, एकदम गजब गोरी, आप उस सीन को देखते ही बोल देते हो कि भाई एनिमल के लिए एक और नया एनिमल आ गया। और हाँ, रणबीर और उसकी फाइट भी काफी बड़ी थी और फाइट में जो सॉन्ग डाला था वो सॉन्ग सिलेक्शन आई डोंट थिंक राइट था, बट खैर वो 1-on-1 फाइट बहुत ज्यादा अच्छी थी। और अगर बात करें जो थ्योरीज हमने सोच रहे थे जिसके बारे में पिछला वीडियो था, तो वो नहीं पूरे हुए, बट एक जो नाजे वाली थ्योरी थी उसको टच करके वापस आए हैं वांगा, जो कि आपको दो ही गेस्चर्स में पता चलता है, जिसमें से पहला है वो हेल हिटलर वाली पोज, प्रतिज्ञा लेते वक्त जो ये पोज करता है, जो सब लोग नाजी आर्मी में हिटलर के लिए करते थे, मतलब जो एक सोल्यूट होता है ना, हमारा ये सोल्यूट है तो उनका ये सोल्यूट, और वो अपनी उंगलियों से 3 नंबर दिखाना, क्योंकि हम में और जर्मनी में, मतलब नाजी में फर्क ये था, हम जब हाथ से 3 नंबर दिखाते तब ऐसे दिखाते हैं और जब नाजी दिखाते थे तब ऐसे दिखाते थे। और ये आप उस सीन में देख सकते हो रणबीर को उस साइन को दिखाते हुए। फिर बोनस में वो स्वास्तिक वाली थ्योरी है ही, बट हालांकि नाजी का सिंबल थोड़ा अलग है, वो टिल्टेड था, तिरका है, जिससे स्वास्तिक और नाजी का सिंबल अलग अलग होता है। तो आप वन टाइम वॉच में इतना ही नोटिस हुआ मुझे, बट मूवी बहुत ज्यादा अच्छी है, आप देख सकते हो इफ यू आर अबव 18। और कुछ भी हो, पोस्ट क्रेडिट सीन मिस मत करना, कुछ गजब देखने मिलेगा, जिससे एनिमल पार्क का सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगा तो क्या हो सकता है उसकी एक क्लिप्स आपको मिल जाएगी। वेट फॉर एंड और डोंट मिस द स्टार्ट, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। और अब कलेक्शन की बात करें तो कबीर सिंह का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ने में बहुत दिन नहीं लगेंगे, मैक्सिमम 3 से 4 दिन में ही वो तोड़ देगा। अर्ली एस्टिमेट से पता चला कि आई थिंक इसका 1 day का 100 crore जा सकता है वर्ल्ड वाइड। रणबीर और संदीप रेड्डी वांगा के लिए इंडीड एक न्यू हाई होगा। तो हाँ, जाओ देखो मूवी, और अगर देखिए तो आपको कैसे लगे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वन, तब तक देखते रहिए रॉकी द वॉचर। जय हिंद।